तो ये देखो, ये बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, और इसके रिजल्ट को आप होप कि आप हमेशा याद रखो, बहुत बार काम आता है कि ये कहता है कि कोई भी जर्नी है, कोई भी कार है, तो अगर मान लो यहाँ से एक कोई जर्नी है, लेट अस कंसीडर दिस इज़ द जर्नी, अगर कोई कार ये जर्नी, ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट मिड पॉइंट है और ये पॉइंट सी है, तो कोई कार डिस्टेंस ट्रेवल एक्स विथ स्पीड वी वन, मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक्स है वो स्पीड वी वन से चली है, और ये जो स्पीड है वो भी डिस्टेंस एक्स है और वो स्पीड वी टू से चली है, तो एवरेज स्पीड ऑफ कार, तो ये जो कार चल रही है इस कार की एवरेज स्पीड निकालना है यार। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन, बेसिक फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है कार, तो टोटल डिस्टेंस चली है एक्स प्लस एक्स, और मान लेते हैं हमें टाइम नहीं पता ना, टाइम यहाँ से प्रॉब्लम आता है, तो ए से बी तक टाइम टी वन लगा होगा और बी से सी तक टाइम टी टू लगा होगा, तो टाइम टी वन प्लस टी टू, तो यहाँ से आ जाएगा टू एक्स और टी वन, एक्स अपॉन बी वन प्लस यहाँ से एक्स अपॉन बी टू, तो एक्स एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो टू टाइम्स वी वन बी टू और आ जाएगी बी वन प्लस बी टू। तो इस रिजल्ट को याद रखो, ये रिजल्ट बहुत काम का है, जब कोई भी गाड़ी जो है सेम डिस्टेंस चलती है अलग अलग स्पीड से, तो तुम एवरेज स्पीड डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो।